छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार को 13 दिसंबर को एक साल पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर भाजपा पूरे प्रदेश में हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं सरकार के एक साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि 13 दिसंबर को सरकार का एक साल पूरा हो रहा है। विष्णुदेव सरकार का एक ऐतिहासिक और सफलता भरा एक साल रहा है। इसके आगे डिप्टी सीएम साव ने कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करने का सिलसिला चला है। मोदी और शाह जी ने जो भरोसा दिलाया था वह पूरा हो रहा है। हर वर्ग इच्छा और आकांक्षाओं की सरकार पूरी कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं, उसकी तैयारी की जा रही है। सरकार जल्द ही रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेगी। इसी कड़ी में धर्मांतरण को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, अवैध धर्मांतरण को लेकर रोकने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। जल्द ही अवैध धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऐतिहासिक और सफलता भरा एक साल पूरा होने जा रहा है। पिछले एक साल में सरकार ने जो काम किया है, मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का जो सिलसिला चला है, आज प्रदेश तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। शहरों का, गांवों का तेज गति से विकास हो रहा है। मोदी की बड़ी बड़ी गारंटियां हमने इस बीच पूरी की है। जो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाया था, उन सब को क्रमशः पूरा किया जा रहा है। चाहे किसानों से किए हुए वायदे का बात करें, माताओं और बहनों से किए हुए वायदे की बात करें, युवाओं से किए हुए वायदों की बात करें, और हर वर्ग के इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम, मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से जो 13 दिसंबर सरकार के एक साल पूरा होने वाला है।